परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा, आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सुबह ही मैंने गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी मुझे दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब दो दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की यह भव्यतम श्रीमद् भगवद गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। यह सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है, वास्तव में सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है। इस गीता को बनाने में इस कौन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। यह गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवद गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की यह पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है।
गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवद गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे। साथियों, दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्ञान से, पवित्रता से परिचित कराने का एक बड़ा प्रयास मंच पर विराजमान विभूतियों ने किया है और मेरे सामने मौजूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीता और सत्याग्रह जीवन का अहम हिस्सा रहा है, उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानवता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे। यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दे दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है पर यह जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। अब प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से,
धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे, तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। साथियों, हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले, हर नीति के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो। सबका साथ सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परिणाम है और हमारी हर योजना, हर निर्णय इसी भाव को परिलक्षित भी करते हैं। चाहे वो भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध उठाए गए कदम हो या फिर गरीब कल्याण से जुड़े हमारे ये निरंतर कार्य, ये हमारे निरंतर प्रयास रहा है कि अपने पराये के चक्कर से राजनीति को बाहर निकाला जाए। साथियों, हमारी सरकार का हमेशा से ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल, भारतीय परंपरा में दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है। हिंसा हो, परिवारों के संकट हो, पर्यावरण से जुड़ी समस्या हो, ऐसी हर चुनौती जिससे दुनिया जूझ रही है उसका समाधान भारतीय दर्शन में है। योग और आयुर्वेद की मुहिम को विश्व भर में पहचान और उसमें जुटे आप जैसे संस्थान और देश के अनेक संतों की तपस्या को हमारी सरकार ने बुलंद आवाज दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हेल्थ एंड वेलनेस के लिए विश्व तेजी से योग और आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहा है। साथियों, मेरा ये भी मानना है कि योग आयुर्वेद से लेकर के हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से अभी दुनिया का सही मायने में परिचय होना काफी बाकी है। हमारा सर्वश्रेष्ठ अभी दुनिया के सामने आना बाकी है।